गाइज जय श्री राम गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइज आज का व्लॉग ना काफ़ी यूनिक होने वाला है। तो आज मैं आपको एक प्लेस दिखा रहा हूँ जो कि यमुनानगर में है और है वो 2300 साल पुराना, जिसका नाम है बुद्धिस्ट स्टूपा चेनेटी में। तो मेरे घर से अराउंड होगा 15 किलोमीटर से रहेगा, 15 to 20। तो चलो चलते हैं, मैं आपको प्लेस दिखाता हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। हरियाणा टूरिज्म बुद्धिस्ट टोपा चेनेटी। तो गाइस ये ना गेट बना रखा है, एक तरह से बुद्धिस्ट गेट है ये। आप यहाँ पर ड्राइंग देख सकते हो कि कितनी मतलब पुराने तरीके से यहाँ पर कैसे बना रखे। जैसे ये कि यह पर्सन देखो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये हाथी बना हुआ है जिसके ऊपर 2-3 पर्सन बैठे हुए हैं, रथ बना हुआ है ऐसे। ये पूरा बड़ा का बड़ा एक बुद्धिस्ट टोपा है, मतलब एक गेट बना रखा है एंट्रेंस, इस पर बहुत हाथ कारीगरी करी गई है जिसके ऊपर ना काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो आप। जो कैसे ये पुराने टाइम के हिसाब से बनाया हुआ है, 2300 साल पहले बनाया गया था और तब की है ये कारीगरी, जो आज के टाइम में नहीं बना सकते कोई भी मतलब कारीगर ऐसी चीज। इस पिलर के ऊपर क्या ही डिजाइन बना रखे हैं, ऊपर बना रखा है जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। ये इंडिया में कैसी बहुत कम चीजें हैं। सेमी हेमिस्फीयर की शेप है, सेमी हेमिस्फीयर एक हेमिस्फीयर की शेप में रहता है। तो इसके यहाँ पर ये गेट्स दे रखे हैं, 4 गेट्स हैं इसके। एक ये गेट है, एक उधर है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक इसके बैक साइड में है। एंड इसके ऊपर ईंटे आप देख सकते हो कि कैसे मतलब एक एक ईंट बाहर निकाल कर रखी हुई है। और साथ में आप ये झंडे भी देख सकते हो कि जैसे वहाँ पर ऐसी प्लेसेस में रहते हैं ना फ्लैग्स, जैसे मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह में रहते हैं जो कलरफुल से फ्लैग्स, वैसे में फ्लैग्स लगे हुए हैं। यस गाइस, तो आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट स्टूपा है ये। स्टूपा मतलब मैं इसका थोड़ा समझा देता हूँ, ये है क्या चीज़। दिखने में तो मतलब एक नॉर्मल सी लग रही होगी, इंटो का एक किला टाइप, एक पहाड़ टाइप जो बना रखा है, नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये है क्या, ये 2300 साल पहले बनाया गया था। और ये बनाया था सम्राट अशोका ने। और ये उन्होंने क्यों बनाया था, क्योंकि वो मानते थे बुद्धा, जो बौद्धा बुद्धिस्ट गॉड थे उनको मानने लग गए थे, उनकी ताकि उनके बारे में अवेयरनेस हो। और जो गॉड थे उनके मतलब भगवान बुद्धा या फिर संत बुद्धा जिसको कहते हैं, उनके कुछ उन्होंने बॉडी पार्ट्स हो गए जिसमें से नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए और उनके कुछ दांत हो गए। तो ऐसी सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हर एक स्टूपा में रखी हैं, ताकि उनकी एक तरह से एक टेम्पल टाइप है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो मानते हैं वो ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये ऑल ओवर इंडिया में 10 स्टूपाज हैं, जिसमें से एक ये है। एंड अभी आई थिंक 3 स्टूपाज ही बचे हैं, बाकी सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे आज के टाइम में, और इसकी भी इतनी केयर नहीं की जा रही। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, देखने वाला चीज़, क्योंकि इतनी प्राचीन चीज़ कहाँ ही देखने को मिलती है, और आज के टाइम में ऐसी चीज़ बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दिखाते हैं आपको दोबारा से एक बार। आर्किटेक्ट आप देख सकते हो कि लाइक कैसा आर्किटेक्ट दे रखा है, ये जो ईंट्स भी दे रखे हैं इनका भी सेम साइज की ईंट्स है। अंदर भी एक ये स्टेप्स टाइप बना रखा है, इसके ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके तो बहुत धार्मिक स्थान है, आना चाहिए यहाँ पर। आप ऊपर से देख सकते हो कितनी बढ़िया चीज़ है, और मतलब ये तो यहाँ पर है मतलब यमुनानगर हरियाणा में, तो थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। अगर यही होता बेंगलोर साइड में तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों की बहुत केयर करते हैं यहाँ पर, कि उनको थोड़ा मेनटेन करके पेड कर देते हैं यहाँ पर एंट्रेंस भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैग्स वगैरह कैसे लगे हुए हैं, इन फ्लैग्स के ऊपर कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
तो गाइज मैं यहाँ पर आज आया हूँ अपने ब्रदर के साथ, तो मैं मिलवाता हूँ। ये राघव है। जय श्री राम सबको भाई। बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, मतलब बहुत प्राचीन है, मतलब हिस्ट्री देखने को मिलती है। आप आगे देखो काफी अच्छा माहौल है, बहुत बहुत प्यारा है, मतलब बहुत दिल अच्छा लगा। और बाकी इसके बाद हमने जाना है बुढ़िया साहिब गुरुद्वारे, वहाँ जाके मत्था टेकने। और अपने गाइज तो आपको आई होप ये अच्छा लगा होगा व्लॉग, मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी कि इसके बारे में जो हमने बताया। तो ऐसी ही हमारे यहाँ पर और भी यमुनानगर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक आपने बीरबल का नाम सुना होगा, बीरबल का रंग महल भी है जो कि खंडर बन चुका है, वो मैं आज दिखा नहीं पाऊंगा। ऐसी एक किला है, फोर्ट है, बुढ़िया फोर्ट, तो वो मैं बाहर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये बुढ़िया के नियर बाय में ही है, मतलब वहाँ से 1.5 किलोमीटर ही पड़ा है हमारे को बुढ़िया से। तो बुढ़िया से हम चलते हैं, एक बार फोर्ट भी दिखाएंगे और गुरुद्वारे चलते हैं। चलो चले राघव, चलो मेरे भाई। तो इसके ऊपर जैसे लाइंस बने हुए हैं एंड आप देख सकते हो इस पे अशोका चक्र भी बना हुआ है, चक्र जो पहले टाइम से अशोका के टाइम से ही है, जो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। मतलब ये कैसे बुद्धास, मतलब जो ओल्ड टाइम के वो उन्होंने हाथ से कैसे टाइल से बना रखी है। दीवार देखो कि दीवार कैसे मतलब टाइल से कैसे बनी है। इसका कितना बड़ा गेट है यहाँ से, मतलब पूरा एक हाथी भी निकल सकता है। और ये नीचे वाला गेट हम लोगों के जाने के लिए है, तो ये भी मतलब जो नीचे वाला दे रखा है इसकी भी 6 फुट से ऊपर गई है, 7 फुट गई होगा। और ऊपर गेट कितना बड़ा है इसका, ये इसका एंट्रेंस है। और जो पहले दिखाया था वो इसका बैक गेट था। और यहाँ पर जब लड़ाई होती थी तो वहाँ पर जैसे सैनिक तैनात रहते थे, वहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे। ऊपर जो जगह दिखा रखी है, एक ये बन रखा है, 4 ऐसे, 2 बैक साइड में इसकी। अंदर से भी काफी टूट फूट सा गया है। ये देखिए आप कितना, मतलब कितना बड़े साइज का गेट है। और ये नीचे से कोई पर्सन निकल सकते हैं, लोगों के लिए खुलता था। और ये गेट में तो हाथी भी जा सकते हैं। और ये जो मतलब फोर्ट है, ये था नानू सिंह बुढ़िया का फोर्ट था, जो कि 1765 में उन्होंने रूल किया था यहाँ पर। उसके बाद इनकी जनरेशन थी शेर सिंह बुढ़िया, तो उन्हीं बुढ़िया के नाम के ऊपर इस गांव का नाम पड़ चुका है आज बुढ़िया। तो उनके अंडर में आते थे, 260 किलोमीटर का एरिया आता था जिसमें अंबाला भी आता था। तो जहाँ तक इनका था, मतलब इन्होंने मुगलों के टाइम से है ये, और उसके बाद अंग्रेजों ने इसके ऊपर, अंग्रेजों के साथ फाइट भी हुई थी शेर सिंह बुढ़िया की, जो हुई थी काफ़ी वहाँ पर सहारनपुर में। काफ़ी बढ़िया है ये उनका, मतलब यहाँ पर काफ़ी शासन था, अभी काफ़ी फेमस है। बाहर से देख सकते हैं, अभी अंदर से देखने लायक तो बचा नहीं।
सारे टूट फूट से हो गया। बाहर से आप देख सकते हो कि वो जो एरिया है वहाँ पर मतलब सैनिक खड़े रहते थे हमेशा। एंड ये भी एक पिलर बना हुआ है। एंड ऐसे चार है, इतना बहुत बड़ा फोर्ट है। इसके अंदर काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स, पहले के टाइम में तो बहुत बढ़िया हुआ करता होगा। आप ये देख करके ही सोच सकते हो कि कैसा हुआ करता था पहले के टाइम में। आज के टाइम went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken. Thank you.